आइए सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। तो किसान भाई, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आग का प्लांट किस तरीके के लगता है और किस तरीके के बांस आते हैं। ये देखें, हम बांस लाए थे हापुड़ से और ये तार भी आया हमारा। ये हमने देखी स्टेक गाड़ रखी है, इसकी स्टेक कैड़ी होनी चाहिए तो तभी हमारा जाल रुक पाएगा। तो किसान भाई देखिए, हमने नौ लाइन का जाल बांधा है और हम इसमें तार पूर रहे हैं। इसमें दोनों साइड तार पूरेगा, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। ये देखे भाई, तार ले जा रहा है हमारा विपिन भैया। और किसान भाई, इसी तरीके से हम तार फैला देंगे और वहाँ से ही टाइट करके लाएंगे। चार दोनों माई स्टेक है, स्टेक सही होनी चाहिए तो आपका जाल जब ही रुक पाएगा। और किसान भाई ये देखिए, खेत के मालिक भी मेहनत कर रहे हैं। ये हमने घिया का प्लांट सारे फैमिली ने मिलकर बांधा है, कोई हमने बाहर से नहीं कोई बुलाया है। तो देखिए किसान भाई, इसी तरीके से हम नौ लाइन पे ही जाल तार फहरा देंगे और इसका फंदा मार के लाएंगे मस्त से ही। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये तार फैलाया है और किस तरीके से हमने इसमें फंदा लगेगा पूरा वो दिखाएंगे हम। और किसान भाई, आप भी ये प्लांट लगा सकते हैं। देखिए, हमने दो लाइन पे पूर दिया है तार और तीसरी पर हम पूरने जा रहे हैं। किसान भाई, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, कहने का मतलब एक एक दो दिन लग जाएंगे, पर हमारा जाल बढ़िया बन जाएगा। और देखिए किसान भाई, इसमें आज हमने ये हमारे स्टेक है जो हम इसे, ये हमारा घन है जिससे हम इसे स्टेक कैडी करके ठोकते हैं। और ये हमारा राजेश भाई आ रहा है, पूरी फैमिली इसमें लगी हुई है। और ये जो घिया की बेल है, हम इस इसके ऊपर चढ़ाएंगे जाल के, जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसकी। तो किसान भाई देखे, आप हमारी वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक और हम आपको बताएंगे किस तरीके का जाल लगाया है हमने। और किसान भाई, हमने ये इस तरीके का आप करेले का भी जाल लगा सकते हैं, सभी तरह का कोई दिक्कत नहीं है आपको, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है हमें। तो ये हम जाल 2-3 साल से लगाते हुए आ रहे हैं और आपके हमने कुछ ज़्यादा वो करा है। ये देखें हमारे पास स्टेक, इन्हें ले जा रहे हैं हम पल्ली माई गाड़ने, वहाँ पर स्टेक थोड़ी कम पड़ गई है और ये हम चल दिए स्टेक लेकर पल्ली साइड। उनके भी स्टेक कैडी गाड़ रहे हैं हम, जिससे दोनों माई एक सार हो सके और ना ही झोल मार सके बेल। ये बेल बहुत वजनदार है, इसलिए हम इनका चारों ओर तार पूरेंगे और चारों ओर सुतली पूरेंगे। और हम जा रहे हैं बांस लेकर, काफ़ी दूर है। और किसान भाई देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो मैं रोज डालता रहूँगा। और ये हमारे भाई देखिए किस तरीके का फंदा मार रहे हैं, विपिन भाई। ये देखिए, इन्होंने इस तरीके का फंदा मारा है जिससे कि तार टाइट हो सके बिल्कुल बढ़िया, और उस पर फंदा मार रहे हैं गोल तरीके का, ये देखिए। और देखिए हम किसान भाई, हमारे ये भाई खड़े हैं, बड़े भाई हैं हमारे योगेश भाई, ये भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और ये हम इन्हें स्टेक देने आए हैं। यहाँ पर थोड़ी स्टेक कम पड़ गई है, ये देखिए स्टेक हमने दे दिया है। और ये यहाँ पर थोड़ा स्टेक देखिए किस तरीके का इन्होंने अलबेट्टा मार रखा है, ये देखियो ऊपर से ये तार बिल्कुल वहाँ से बिछाते हुए लाए और हमने यहाँ पर बांध दिया है। इससे हमें कोई बिल्कुल प्रॉफिट होएगा, बढ़िया जाल नहीं हिल पाएगा इससे, स्टेक बहुत कैडी कर रही है इसकी, और उस पर हमने ये स्टेक गाड़ दी हुई है। और ये हमारा हथौड़ा है जिससे हम इसे ठोकते हैं, दोनों साइड बराबर घन मारेंगे। और ये देखिए, अब इसमें घन लगने की बारी आ चुकी है, टाइट होएगा इससे जाल बहुत और तार भी। और चलिए, हमने तार पूर दिया है और हम इसमें घन बजाने का स्टेक करते हैं। तो देखिए भाई,
हमारा घन बजाने वाला है। चलो ये भाई देखिए, हल्की हल्की चोट मारेंगे, ये बांस भी फट सकता है, इससे हमारा तार बहुत टाइट हो जाएगा। दोनों साइड घन बज रहे हैं, पल्ली साइड भी और इधर साइड भी। ये देखिए इन्होंने घन चोट मार दी, ये बांस टूटने का खतरा आ चुका देखिए है। इसी तरीके से ये बराबर घन लग रहा है चारों ओर। यार मैंने बिल्कुल बढ़िया मारे हैं, देखिए थोड़ा बांस फट चुका है, इससे कोई दिक्कत नहीं, हमारा तार पूरा खिंच चुका है। और किसान भाई, हमने ये तीसरी लाइन भी तैयार कर दी है, और चौथी लाइन में हम इस तरीके का तार बिछाएंगे। तो हमने आपको पूरा वो बता दिया है यहाँ के बारे में, और इस पे हम रस्सी खींचने वाले हैं। अभी फिलहाल तार ही खींच रहे हैं, काफ़ी लाइन है। और यहाँ पर तो हमारा भाई आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा बांस का खिंचाव करेगा, जिससे कि तार थोड़ा और टाइट हो सके। तो देखिए ये भाई थोड़ा बांस खींच रहा है पल्ली साइड से, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही घन बच गया है और बराबर चोट नहीं लग पाई है। तो देखिए किसान भाई बिल्कुल टाइट हो गया है, और ये देखिए हमारा ये जाल, हमने रस्सी पूरी है सुतली, कितना हमने ये जाल पूरा कवर कर दिया है सुतली तार के ऊपर, सुतली पूर कर। ये हमारी रस्सी आई है प्लास्टिक के, 80 रुपये किलो का मंडल आया है। और हम इनको अपना पूरने का तरीका ही बताएंगे, किस तरीके हमने ये पूरा है और किस तरीके का ये मंडल कहाँ से लाए हैं, पूरा वो देंगे हम। ये देखिए हमने चार साइड चार और रस्सी पूर रखी, लंबाई में भी और नेडाई में भी। ये हमारा जाल ओके हो चुका है, इस पे हम बेल चढ़ाएंगे अब यहाँ की 3D कटिंग कर कर, जिससे कि हमारे 3D कटिंग करने से ये एक फ़ायदा होता है, हमारा जो लोगी है वो थोड़ा फल ज़्यादा लगता है, और इससे हमारी जाल पर कोई दिक्कत नहीं होती है, इससे वजन कम हो जाता है जाल पर। और ये देखिए हमने पूरे 2 बीघे में जाल बांध चुके हैं, काफ़ी टाइम 2 दिन लग चुके हैं इसमें, और अभी अधिक काम रह रहा है। ये हमारे ताऊ जी हैं, ये हमने पूरी फैमिली ने बनकर, ये देखे हमारे सुतली के मंडल, और हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके का हमने जाल पूरा, इन्हें 5 साइड। तो देखिए किसान भाई, हम 5 मंडल ये हमारे जाल पूर रहे हैं भाई। और देखिए किसान भाई, ये सुबह से मेहनत कर रहे हैं विपिन भाई, और सुबह से इन्होंने पहले तार खींचा है, और ये अब रस्सी पूर रहे हैं। ये देखिए इसमें इतना गैप होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो बेल पे घा लटकेगा वो थोड़ा गैप होना चाहिए उसके लाग। देखिए किसान भाई, हमारे चिंटू भाई हैं जो पूरी हेल्प करवा रहे हैं। ये देखिए हम 2 सुतली के मंडल ले रहे हैं, और हर तार पर इसके ऊपर ने काट रहे हैं, तार के ऊपर ने, जिससे कि झोल कम मारे मारे ना आए। ये इस तरीके का हमने जाल बांध चुके हैं। तो देखिए हर हर उसमें हम तार ले जा रहे हैं सुतली, और ये देखिए हम इस तरीके से हर 9 लाइन पे ही सुतली पूरेंगे, इससे हमारी बेल भी लुक रुक पाएगी और तार से हमारा जाल कसा रहे। तो देखिए किसान भाई, हमारे ये भाई हैं जो इस तरीके का सुतली पूर रहे हैं, और इससे हमारा बहुत फायदा है, सुतली से छत छत पर पूरेंगे, साइड में कोई सुतली नहीं पूरेंगे ये, क्योंकि बेल इसकी ऊपर ही जाएगी 3D कटिंग होकर। काफ़ी टाइम लग रहा है, हर तारों में हम इसे पूर रहे हैं। देखिए ये हमने एक उसमें हमारे कम से कम 10 वे मंडल पूरे हैं, और देखिए हमारा लास्ट होने वाला है यहाँ पर ज़्यादा। ये देखिए हमारा लास्ट हो चुका है, और यहाँ पर हम इसे बांध देंगे और वहाँ से टाइट कर देंगे। ये देखिए हम यहाँ पर बांध चुके हैं, और काफ़ी टाइट कर देंगे, जिससे कि हमारा जाल झोल ना मारे। तो देखिए किसान भाई, हम आपको बताने वाले हैं अब कि भाई हम आपको बताने वाले हैं
कि हमने ये बेल हमने जाल के ऊपर डाल चुके हैं और इसकी हमने 3D कटिंग भी किया है जिससे हमारा माल ज़्यादा लग पाए। इससे हमारे 3D कटिंग से ये फ़ायदा है और ये हमारे विपिन भाई 3D कटिंग कर रहे हैं और बेल साथ साथ ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये हमारी जो बेल है ऊपर चढ़ गई, बिल्कुल 5-6 दिन में इन पर घा लगने लग जाएगा। ये देखिए इसके पत्ते काट रहे हैं, ना ज़्यादा बेल हो। इसी तरीके से हमने पूरे खेत की इस तरीके कटिंग की है और ये हमने बेल जाल पर चढ़ा चुके हैं, ये देखिए। और हमारा घा अधिक बढ़िया लगेगा और इस पर हमने गैप दिखाया था अपने सुतली पर, जिस तरीके हमारा रवा लटकेगा वो ना ही मुड़ पाएगा और बिल्कुल सीधा घा लटकेगा। कहने का मतलब ये हमारा कि इस पर टेढ़े घा नहीं उतरने के, जिससे कि बेल जगह ना हो पाए और हमारा लौकी साफ सुथरा उतर सके, ना ही गिंडार पर लग सके। और ये हमारा देखे हमने सारे उस पर बेल चढ़ा चुके और 4-5 बेल रह दिए। तो किसान भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। इस तरीके से हमने ये पूरी फैमिली ने मिलकर ये जाल बांधा है और हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं किसान भाई। तो आप भी इस तरीके का जाल बना सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए इसके खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल से। सब्सक्राइब करें और लास्ट तक वीडियो देखें और वीडियो कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम।